मंत्र विभाग दर्शकों, आज मैं आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसमें कुंडली में यदि चंद्र चतुर्थ स्थान में होता है, चौथे भाव में होता है, तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में कहा गया है। यह मंत्र इस प्रकार से है, बहुतर वसुपूर्णो रात्रि नाथे चतुर्थे प्रियजन हितकारी योषिताम प्रीतिकारी सततमिह रोगी मांस मत्स्यादि भोगी गज दुर्ग समेत क्रियते हर्म्य पृष्ठे। अर्थात जिस जातक की कुंडली में चंद्र चतुर्थ स्थान में होता है ऐसा जातक ज्यादातर धनवान होता है। ऐसा जातक अपने प्रियजनों का हित करने वाला या प्रियजनों की सहाय करने वाला होता है। ऐसा जातक योषिताम प्रीतिकारी स्त्रियों को पसंद करने वाला और स्त्रियों में लोकप्रिय होता है। उपरांत ऐसे जातक हमेशा सततमिह रोगी जीवन में हमेशा रोगी होते हैं, मांस और मछली का भक्षण करने वाले होते हैं। और ऐसे जातक गज दुर्ग समेत क्रियते हर्म्य पृष्ठे हाथी और घोड़े को पालने वाले होते हैं। और ऐसे जातक राजा के द्वारा भेंट में दिए गए घर में या सरकारी आवास में रहने वाले होते हैं। दर्शकों, जिस जातक की कुंडली में चंद्र चतुर्थ स्थान में होता है उन जातकों में इस मंत्र में बताई गई ज्यादातर बातें पाई जाएगी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको दैनिक राशिफल बताया, सुख शांति और समृद्धि के कुछ छोटे उपाय बताए। विशेष में आज हमने केंद्रम योग भंग के बारे में जाना और मंत्र विभाग में आज हमने ऐसे मंत्र के बारे में जाना जिसमें कुंडली में यदि चंद्र चतुर्थ स्थान में होता है तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में कहा गया है। मैं आशा करता हूँ आज बताई गई सभी बातें आपको दैनिक जीवन में वास्तविक रूप में उपयोगी होगी। आप सबका आज का दिन शुभ रहे, आने वाला समय अति शुभ रहे, ऐसी आशा और प्रार्थना के साथ मैं भावेश विजय कुमार दले आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।